निशाचर जीव जिसकी उपासना करते हैं उसी को शीलनिधि की कन्या वरण करेगी। अब नारद जी क्या सोचने लगे, नारद जी ने सोचा कि ये कन्या जिसका वरण कर लेगी वो अमर हो जाएगा और ये कन्या जिसका वरण कर लेगी चराचर उसी की सेवा करने लगेगा। जबकि बात यह थी कि जिसकी चराचर सेवा करता है उसको यह शीलनिधि की कन्या वरण करेगी, लेकिन नारद ने सोचा कि यह जिसको वरण कर लेगी उसकी चराचर सेवा करने लगेगा। अब नारद ने सोचा कि इतना अच्छा अवसर हाथ से क्यों जाने दे। फिर याद आया कि यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, इस स्वयंवर में तो शोभावान होगा उसी के गले में जयमाला डालेगी। कहा कि अपना तो जब उन्होंने अपना मुंह देखा तो महात्मा आखिर तो देखा तो कहा ये इस शोभा पर इस रूप पर तो जयमाला डालने वाली नहीं। फिर निश्चय किया कि फिर क्या करें, तो आप लोग जानते हो शादी विवाह में यहां भी उधार तो लेते होंगे, रकम उधार ले लेते हैं, हाल उधार ले लेते हैं, घोड़ी उधार लेते हैं, मुकुट उधार ले आते हैं, बहुत सी चीजें उधार लेकर के आते हैं, चाहे किराए पर लो। तो किराए पर तब नहीं बिकती थी, तब उधार मिल जाता था। हमारे यहाँ गांव में आज भी शादी के दिन लड़के के लिए बहुत सी चीजें उधार ले आते हैं लोग। अब नारद जी ने सोचा कि दुल्हा बनने के लिए कुछ उधार चीजें दुनिया मांगती है, हम भी कुछ उधार ले लें। और उधार क्या लें, कहा प्रभु से उनका रूप उधार ले लें। हाँ, हरि सन मांगू सुंदरताई, यदि समय प्रभु अपना रूप हमें उधार दे दे थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर की बात है, जयमाला पढ़ने के बाद फिर कौन पूछता है। हरि सन मांगू सुंदरताई, और प्रभु हमें जरूर दे देंगे क्योंकि मोरे प्रिय हरि सम नहीं कोई, प्रभु के समान मेरा कोई प्यारा नहीं है और मेरे समान प्रभु को कोई प्रिय नहीं है। जब मैं प्रभु से उनका स्वरूप मांगूंगा जवश्य दे देंगे। हरि सन मांगू सुंदरताई, लेकिन सोचने लगे यहां से क्षीर सागर जाऊंगा और वहां से लौटूंगा तब तक तो स्वयंवर समाप्त हो जाएगा। होई हई जात गहरु मोहि भाई, ये तो इतना दूर जाने में बहुत देरी हो जाएगी। कहा फिर, कहा चलो मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यही प्रकट होंगे। और नारद जी वहीं खड़े होकर के प्रार्थना करने लगे, भगवान प्रकट हो गए। भगवान तो बड़े कौतुकी हैं, बड़े तमाशबीन हैं, ये जगत रूपी तमाशा वही तो देख रहे हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, जग पेखन तुम देखन हारे, हे प्रभु जगत एक तमाशा है और इस तमाशे को आप देखने वाले दृष्टा आप हो। विधिहर शंभु नचामन हारे, ब्रह्मा विष्णु महेश इसको नचाते हैं और श्रीमन नारायण वह महाप्रभु इसको देखते हैं। प्रभु तमाशबीन है, परम कौतुकी कृपा निकेता, वो परम कौतुकी हैं, कौतुकी ही नहीं, प्रभु वहां प्रकट हो गए नारद के साथ खेल करने के लिए। कहो नारद क्या चाहिए। नारद ने कहा, भगवान बड़े मौके से आप आ गए, आपन रूप देव प्रभु मोही, थोड़ी देर के लिए, हमेशा के लिए मैं नहीं चाहता, आप अपना रूप मुझे दे दे। कहा मेरे रूप को लेकर क्या करोगे तुम। का आन भांति नहीं पावूं ओही, मैं उसे दूसरे प्रकार से पा नहीं सकता। कहा किसे, कहा उसे, अरे कहा उसका कोई पता ठिकाना कोई नाम। नारद जी कहते हैं, भगवान आप तो जानते हो होने वाली स्त्री का नाम नहीं लिया जाता। हमारे यहां ऐसा नियम था कि पत्नी का नाम नहीं लिया जाता था। आत्मनामो गुरुनामो नामो कृपणश्च जेठपत्र कलत्रश्च श्रेयो कार्यो न गृहणात्। गुरु का नाम, अपना नाम, बड़े पुत्र का नाम, स्त्री का नाम, जो कल्याण चाहने वाले हैं ये बार बार नहीं लेते, कभी मौका पड़ गया भले ले ले, ये शास्त्र का सिद्धांत था। इसलिए हमारे यहाँ कोई स्त्री का नाम लेकर नहीं पुकारता था, अब भी गाँव में नहीं पुकारते। और शहरों में तो बात ऐसे हो गई, लोग स्त्री पुरुष का नाम ऐसे एक दूसरे के लेते हैं जैसे उनके भाई बहन हो या मित्र हो, पता नहीं कैसे लेते हैं। खैर, नारद जी ने कहा, भगवान मैं उसका नाम तो ले नहीं सकता, इसलिए आप समझ लो कि मैं किसके लिए कह रहा हूं। आपन रूप देव प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावूं ओही, ओही कहकर के संकेत किया। भगवान समझ गए,
कहा नारद यही विधि हुई हई परम हित, नारद सुनऊ तुम्हार सोई मैं कर बन आन कछु बचन न मृषा हमार। हे नारद जिसमें तुम्हारा परम हित होगा वही मैं करूंगा। तुम हित की बात सोचते हो। नारद ने एक बात कह दी आखिर में, जही भी दिनाथ हो हित मोरा करो सुबेग दास में तोरा। बस भगवान के लिए बात बन गई। उन्होंने कहा तुम हित की कामना करते हो, मैं तुम्हारा परम हित करूंगा। भगवान ने परम हित ही किया, नारद को सकल तो अपनी दे दी लेकिन मुंह बंदर का दे दिया। और जो गति हुई नारद की आप लोग जानते हो। मेरे कहने के प्राय इस कथा का सार क्या है कि नारद ऐसे महाज्ञानी महायोगी महाभक्त भगवान की माया से विमुग्ध हो गए। जहां नारद ऐसी की ये गति हो गई वहां जन सामान्य की क्या कह सकते हैं, क्या गति हो सकती है। इसलिए वेद कहता है कि वह माया परमात्मा की बड़ी दुरु है। इंद्रो माया भी पुरु रूपी यते। वह परमात्मा अपनी माया से ही अनंत ब्रह्मांड का सृजन करता है। दुर्गा सप्तशती में ऋषि कहता है ज्ञान नाम चेतांसी देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाया महामाया प्रच्छति। और इसी गरुण के प्रसंग में कहा गया है वह माया बड़ी प्रबल है। जो ज्ञान न करो चित अपहरई बरियाई विमोह बस करई। बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को खींच करके वह जबरदस्ती मोह में डाल देती है। इसलिए उस प्रबल माया से बचना बड़ा मुश्किल है। भुसुंडी जी कहते हैं भगवान योग विराग ज्ञान विज्ञाना ए सब पुरुष सुनऊ हरियाणा। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति अबला अबल सहज जड़ जाती। पुरुष त्याग सक नारी जो विरक्त मति धीर न तु कामी विषया बस विमुख जो पद रघुबीर। कहा विरक्त मत धीर त्याग सकता है, कहते उसमें भी संशय। सो मुनि ज्ञान निधान मृगनैनी विधु मुख निरखी विबस हो हरि जान नारी विष्णु माया प्रगट। इतनी बात कहने के पश्चात अभी तक गरुण ये समझ नहीं सके कि भुसुंडी जी की यह व्याख्यान देने का अभिप्राय क्या है, क्या कहना चाहते हैं। कहना क्या चाहते हैं उसको आगे बताते हैं। हमारे यहां उपासना के दो क्रम हैं। भक्ति मार्ग में जीव को भोग्य और परमात्मा को भोक्ता माना गया है। ये बात समझे। भक्ति मार्ग में जीव शेष है परमात्मा शेषी है। जीव भोग्य है परमात्मा भोक्ता है। जीव अंश है परमात्मा अंशी है। ये संबंध है जीव और ईश्वर के। इन तीनों भावों में अलग अलग संप्रदाय बने हैं। जहां पर है जीव अंश है परमात्मा अंशी है वहां पर जीव पुत्र है परमात्मा पिता है। जहां पर है जीव भोग है परमात्मा भोगता है वहां पर है जीव गोपी है और ईश्वर गोपाल है। आप लोगों ने सुना होगा श्रीमद् भागवत का जो महारास का प्रसंग है वो इसी सत्य का उद्घाटन करता है। उसमें प्रभु भोगता है और जीव भोग है। ये समस्त जीव जो है ये गोपी हैं। गोपी के सिवा और कुछ नहीं है। ये सब राधा के ही रूप हैं। वह अचिंत शक्ति जो परा शक्ति है चिदात्मिका शक्ति है जिसको परांबा परामाया परा प्रकृति कहा जाता है। वह जीव भूता महाबाहो एदम धारते जगत। वह जीव भूता है और जीव भूता होने के नाते वही राधा कही जाती है और समस्त जीव उसके अंश से आविर्भाव होने के नाते गोपी कहे जाते हैं। और वह राधा अपने समस्त गोपियों के सहित प्रभु की भोग्या है और प्रभु उसके भोगता है। इसलिए जीव भोग्य है परमात्मा भोगता है। जहां पर जीव भोग्य और परमात्मा भोगता है वहीं पर रसिक संप्रदाय का उदय होता है। भारत में ऐसे कई संप्रदाय हैं जिन संप्रदायों की यही मान्यता है। अचिंत भेदाभेद संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय और कई एक और संप्रदाय हैं जिसमें यही भाव चलता है।
प्रिया प्रीतम भाव। वृंदावन में आज भी आपको हजारों महात्मा मिलेंगे जो गोपी भाव से प्रभु की उपासना करते हैं। इसी प्रकार से अयोध्या में भी मिलेंगे जो सखी भाव से प्रभु की उपासना करते हैं। ये नित्य सखी भाव है। हमारे यहां वैष्णव संप्रदाय में एक और संप्रदाय है, आप लोग जानते होंगे, कबीर संप्रदाय। कबीर भी अपने आप को यही कहता है, राम मेरे पिया, मैं राम की बहुरिया। इसी रूप से जो सूफी संप्रदाय है, सूफी संप्रदाय का तो लक्ष्य ही यही है, उसमें अपने आप को भोग्य और परमात्मा को भोक्ता मान करके उपासना की जाती है। ये वैदिक संप्रदाय है, ये वेद का सिद्धांत है, जिसमें जीव भोग्य है, परमात्मा भोक्ता है, जीव शेष है, परमात्मा शेषी है, वहां पर जीव दास है, परमात्मा स्वामी है, जीव अंश है, परमात्मा अंशी है, वहां पर जीव पुत्र है, परमात्मा पिता है। ये भाव है उसके साथ, और उन समस्त भावों में गोपी भाव है। अब आगे भक्ति मार्ग जो है, भक्ति मार्ग में समर्पण होता है, इसलिए इसमें भोक्ता कौन है? परमात्मा। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मे चापिक्तो देहस्मिन पुरुषः पर। गीता 13वें अध्याय में भगवान ने इस बात को स्पष्ट किया है, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। और 5वें अध्याय में भगवान ने बताया, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृक्षते। तो जो लोग इस भाव से प्रभु की उपासना करते हैं वो भक्त हैं। भक्त अपने आप को कभी भोक्ता नहीं मानता, भोग्य मानता है, अंशी नहीं मानता, अंश मानता है, शेषी नहीं मानता, शेष मानता है, इस भाव से उपासना करता है। उसी बात को आगे भुशुंडी जी कह रहे हैं कि भगवान ज्ञान विज्ञान योग वैराग्य ये सब पुरुष भाव से युक्त हैं। पुरुष भाव से युक्त जो होते हैं उनके सामने एक प्रबल नारी भाव होता है, माया उनके लिए नारी है, नारी भाव से बचना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। कोई धीर विरक्त तो बच सकता है, लेकिन बड़े बड़े ज्ञानी भी उसमें मोहित हो जाते हैं। लेकिन प्रभो एक बात याद रखो, यहां न पक्ष पात कछु राखो वेद पुराण संत मत भाखो। भुशुंडी जी कह रहे हैं कि यहां पर मैं कोई पक्षपात नहीं कर रहा, आपको सुनकर के ऐसा लगेगा कि मैं पक्षपात कर रहा हूं, मैं भक्ति की महिमा गा रहा हूं, लेकिन ये पक्षपात नहीं, ये यथार्थ है। मैं वेद पुराण संत इन तीनों के जो मत हैं वो आपके सामने व्यक्त कर रहा हूं। वेद में भी यही कहा गया है, वेद में परमात्मा का जीव के साथ तीन प्रकार का संबंध है, तीन प्रकार का, कौन कौन सा? जीव पुत्र है, परमात्मा पिता है, जीव और ईश्वर दोनों सखा है, इसके लिए अलग अलग मंत्र है, और जीव भोग्य है, ईश्वर उसका भोगता है। ये तीन भाव, जहां पर ये तीनों भाव की व्याख्या है उसमें जहां पर पिता पुत्र का संबंध है, स्वामी सेवक का संबंध है, जहां पर मित्र का संबंध है, सखा का संबंध है, और जहां भोग्य और भोक्ता का संबंध है वहां प्रिया प्रियतम का संबंध है, वहां पर प्रकृति पुरुष का संबंध है। इसीलिए हमारे यहां सांख्याचार्यों ने कहा कि भोक्ता एक है, वह पुरुष है, काये जो जीव है इतने एक कौन है, काये ये भोक्ता नहीं है, ये तो उसी भोक्ता के प्रकाश में भोग्य की अभिव्यक्तियां हैं। इसीलिए सांख्याचार्यों ने बंधन और मुक्ति बुद्धि का माना है, चेतन का नहीं। वो कहता चेतन एक है, उसी चेतन से प्रकाशित हुई बुद्धि चेतनवत प्रतीत होती है, और ये सारे क्रियाकलाप बुद्धि में चलते हैं, इसलिए वहां जीव को बुद्धि कहा है। ये बात समझे? दुर्गा सप्तशती में या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो विष्णु माया शब्द से अभीत है वो परमात्मा की शक्ति है, और वही विष्णु माया दूसरे मंत्र में बताया यादेवी सर्वभूतेषु चेतना इति अभिधीयते, वही विष्णु की माया चेतना कही जाती है, और वही चेतना जो है जीव भूता महाबाहो एदम धारते जगत, वही जीव भूता है, वही परमात्मा की शक्ति है। ये जीव जितने हैं उस चेतना शक्ति की अभिव्यक्ति है,
इसलिए यादेवी सर्वभूतेषु विद्युरी पूर्ण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः, ये दार्शनिक विषय है। इसको मैं यहां ज्यादा विस्तार से नहीं कहूंगा, नहीं जो मैं बताने जा रहा हूं वो दूर हो जाएगा। फिर आप समझिए, ये जीव जो है, जीव जिसे कहते हो, ये बुद्धि में स्फुरित होने वाला अहम है, ये बात समझे। और बुद्धि का पति कौन है? वह परमात्मा परमेश्वर। भोक्ता वही है, ये भोग्य है, ये भोक्ता स्वयं में नहीं हो सकता। इसलिए भुशुंडी जी कहते हैं रहस्य की बात है, आपको लगेगा कि मैं यहां पक्षपात कर रहा हूं, लेकिन पक्षपात नहीं है। वेद पुराण संत मत भाषण, ये मैं वेद पुराण संतों का मत बता रहा हूं आपको। आगे मत क्या बताते हैं? मोहन नारी नारी के रूपा पन्नगारी यह नीति अनूपा, कहा नारी का रूप देखकर के नारी मोहित नहीं होती, ये एक अनुपम रीति है। कितनी सौंदर्य युक्त नारी क्यों न हो और कितनी कुरूपा स्त्री क्यों न हो, कहा वह उसको देखकर के मोहित नहीं होती। नारी को देखकर नारी नहीं मोहित होती, नारी को देखकर पुरुष मोहित हो जाता है। कहा तुम कहना क्या चाहते हो? कहा मैं कहना यह चाहता हूं कि योग विराग ज्ञान विज्ञाना ए सब पुरुष सुनो हरियाणा। योग विराग ज्ञान विज्ञान ये जितने साधन ये पुरुष हैं, ये पुरुष हैं इसलिए ये नारी को देख करके मोहित हो जाते हैं। नारी कौन? माया। और कहा दूसरा, कहा माया भगति सुनो तुम दो नारी वर्ग जानई सबको। माया और भक्ति ये दोनों नारी है, माया भी नारी है भक्ति भी नारी है। इसलिए न तो माया को देखकर भक्ति मोहित होती है और न भक्ति को देखकर माया मोहित होती है। यहां पर माया और भक्ति की कथा चल रही है, ये बात याद रखना। इसलिए यहां पर कहा मोहन नारी नारी के रूपा पन्नगारी हरीति अनूपा। कहा रामायण में एक जगह आया है, जब भगवती श्री सीता जी रंग मंडप में चरण रखती हैं, रंग भूमि जब सिय पग उधारी देखी रूप मोहे नर नारी, तो वहां पर भगवती के रूप को देख करके नर नारी सभी मोहित हो गए। और यहां पर आप कह रहे हो मोहन नारी नारी के रूप, ये संभव कैसे होता है? जब वहां भगवती को देखकर सब नर नारी मोहित हो गए, कहा तुलसीदास जी ने आगे लिखा है, कहा ये सीता कोई नारी नहीं है। सीता को नारी समझना ये भूल है, सीता नारी नहीं है। सीता कौन है? कहा ये तो परमेश्वर की पराशक्ति है, जिस पराशक्ति के वशीभूत होकर के सारा विश्व नाच रहा है, जो अपने भृगुटी बिलास मात्र से अनंत ब्रह्मांड की रचना करती है। भृगुटी बिलास जासु जग होई राम बाम दिस सीता सोई। कहा जो पट तरिय तीय समसिया, वहीं आगे तुलसीदास जी ने कहा जो पट तरिय तीय समसिया जग असजुअति कहां कमनिया। कहा यदि तुम सीता को स्त्रियों की तुलना में लाओगे तो भला बताओ दुनिया में ऐसी स्त्री है कहां? है कोई दुनिया में? गिरा मुखर तन अरध भवानी रति अति दुखित अतनुपति जानी विषबारुणी बंधु प्रिय जेही कही रमा सम किमि बेदेही। कहा किस नारी की उपमा दोगे तुम सीता से? इसीलिए जहां पुष्प वाटिका में भगवान ने श्री सीता जी को देखा वहां पर तुलसीदास जी कहते हैं सखिन मध्य सिय सोहति कैसी छबिगन मध्य महा छबि जैसी। कहा वह सखियों के मध्य में ऐसी शोभित होती है जैसे छवियों के मध्य में महाछवि हो, छवियों के मध्य में महाछवि। भला सोचिए उसको देख करके छवि क्यों नहीं मुग्ध हो जाएगी? इसलिए सीता को नारी मानना तुलसीदास जी कहते हैं भूल है तुम्हारी। यहां पर जो बात है यहां पर उस नारी की नहीं, यहां पर तो है माया और भक्ति की। माया भक्ति सुनो तुम दो नारी वर्ग जानई सबको पुनि रघुबीर भगति प्यारी माया खल नर तकी बिचारी।
कहा यहां माया और भक्ति दोनों नारी वर्ग हैं, दोनों परमात्मा की शक्तियां हैं, एक है माया दूसरी है भक्ति। माया कौन है? देखा जीवन चावत जाही, वो माया है। और भक्ति कौन है? देखी भगत सो छोरत ताही, एक माया है जो जीवों को नचाती है और दूसरी भक्ति है जो उससे छुड़ाती है। तुलसीदास जी लिखते हैं माया के भी दो भेद हैं, ताकर भेद सुनो तुम सो विद्या अपर अविद्या दो, उसमें एक विद्या माया है दूसरी अविद्या माया है। अविद्या माया वह है जो जीव को नचाती है और विद्या माया वह है जो जीव को छुड़ाती है। रामायण में दो बड़ी विचित्र चौपाइयां हैं। तुलसीदास जी ने लिखा एक जगह, आगे राम अनुज पुनि पाछे, भगवान राम चले जा रहे हैं जंगल में, आगे आगे राम है, पीछे पीछे लक्ष्मण है, उनके मध्य में भगवती श्री सीता जी हैं। उनके स्वरूप को देख करके, छवि को देख करके कवि अपनी भावना को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं, आगे राम अनुज पुनि पाछे तापस वेश विराजत आछे, उभय बीच सी सोहति कैसी ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। का आगे आगे राम पीछे पीछे लक्ष्मण, बीच में श्री सीता जी ऐसी शोभित हो रही हैं कहा जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया शोभित होती हो। अरे कहा महाराज आप ये क्या अनर्थ कर दिए, ब्रह्म और जीव के बीच में माया सोहती है या मोहती है, है? क्या समझे, माया सोहती है कि मोहती है? कहा नहीं मोहती है, नाथ जीव तव माया मोहा सो निस्तरई तुम्हारी ही छोहा। कहा माया तो मोहती है, सोहती कहां है भगवान? कहा नहीं नहीं मोहती भी है सोहती भी है। कहा कौन सी माया मोहती है कौन सी सोहती है? कहा अविद्या माया मोहती है और विद्या माया सोहती है। ताकर भेद सुनो तुम सो विद्या अपर अविद्या दो, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जा बस जीव परा भवकूपा। ये अविद्या माया है जो मोहती है और विद्या माया, एक रचई जग गुण बस जाके प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। एक जगत जननी है, जगत की रचयित्री है, वह सोहती है मोहती नहीं। भला आप ये समझिए पिता और पुत्र के बीच में मां मोहती है कि सोहती है, क्या कहेंगे आप? पिता और पुत्र के बीच में मां जो है वो मोहती है कि सोहती है, क्या कहेंगे? सोहती है। और पिता और पुत्र के बीच में पत्नी ये सोहती है कि मोहती है, क्या कहेंगे आप? अरे पत्नी देवालय निकाल देती है, कहती कल मैं इसे बता रहा था, हम कहा कि भाई जब देवी आती है घर का सारा हालचाल देख लेती है और सोचती है कि हमारा पति तो मेहनत करने वाला है और परिवार में बहुत लोग खाने पीने वाले हो गए हैं, यदि ये कमा कर अकेले दे तो हमारे पास बहुत धन हो जाएगा, तो वो कान में पति के तिराक्षर मंत्र फूंकती है, तिराक्षर तीन अक्षर का मंत्र। तो ये चौक पड़ा उस तिराक्षर मंत्र कौन होता है? मैंने उसे बताया, हम का आ ला ग जहां इस तिराक्षर मंत्र को कान में फूका तहां वो पिता पुत्र के बीच में फिर तो वहां खंडक हो जाता है, खाई नहीं फिर वो इधर आ जा, तो वो पिता पुत्र के बीच में मोहती है सोहती नहीं, लेकिन मां जो है बीच में वो सोहती है मोहती नहीं है। तो जगत जननी भगवती श्री सीता जो है वो जीवों की मां है, ये बात समझे, जीव भूता महाबाहो एकदम धारेते जगत, वह जीव भूता है, जीव उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। तासाम ब्रह्म महद योनि अहम बीजा प्रदा पिता, भगवान कहते हैं वो माया महद ब्रह्म जो है भगवती वो जगत जीवों की मां है और मैं सबका पिता हूं। तो मां बीच में सोहती है मोहती नहीं, और पत्नी जो होती है वो मोहती है सोहती नहीं। पत्नी कौन है? भोग्या, बात समझे। तो वहां पर अविद्या माया जो है वो अष्टधा प्रकृति है,
भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार वितीयम भिन्ना प्रतिरष्ट था अपरे अमितस्तन्याम विद्धि प्रतिमे पराम जीव भूता महाभाव एदम धारते जगत। तो ये अष्टधा प्रकृति जो है वो भोग गया है बुद्धि से लेकर के और शरीर तक, ये सब किसके लिए? जीव के भोग के लिए है। इसलिए जब जीव इनमें आसक्त होता है तो ये परमात्मा से जीव को अलग कर देते हैं, ये भोग्य होने के नाते मोहते हैं, ये अष्टधा प्रकृति मोहती है। और उसके बीच में जो पराम्बा है, जीवों को जन्म देने वाली परमात्मा की चिदात्मिका शक्ति जो है, वह मोहती नहीं, वह सोहती है। जिस समय उस चिदात्मा शक्ति का प्रकाश होता है जीव में, तब वो अपने प्रभु को पहचान लेता है। जैसे माता ही पुत्र को उसके पिता का परिचय देती है, इसी रूप से वह चिदात्मिका शक्ति जीव को परमात्मा का परिचय देती है। प्रश्नोपनिषद केनो उपनिषद में आप इसी को पढ़ सकते हैं, जहां पर इंद्र विमोहित हो जाता है और अग्नि और वायु परास्त होकर के उस यक्ष से आते हैं। इंद्र जब आखिर में जाता है तो वहां यक्ष अंतर्ध्यान हो जाता है और वहां पर कौन प्रकाशित होती है? हेमवती, मुमाम हेमवती, वह भगवती वहां पर प्रकट हो जाती है। और वही भगवती इंद्र की गुरु बनती है, वही भगवती इंद्र को ब्रह्म का बोध कराती है। इसलिए पिता और पुत्र के बीच में भगवती जो है वो सोहती है। और ये विषयात्मिका जो अष्टधा प्रकृति है, माया अविद्या माया, ये मोहती है। इसलिए एक जगह जहां तुलसीदास जी ने लिखा है, नाथ जीव तो माया मोहा सो निस्तरई तुम्हारी छोहा, ये अविद्या माया के लिए है। और जहां पर लिखा उभय बीच सी सोहति कैसी ब्रह्म जीव बीच माया जैसी, वो विद्या माया के लिए है। वही विद्या माया यहां पर भक्ति शब्द से कही जाती है। उद्भव स्थित संहार कारिम क्लेशारिम सर्वश्रेयस करीम सीताम न तो हम राम बल्लभा। वह राम बल्लभा कौन है? तुलसीदास जी कहते हैं वो भक्ति है, वह भक्ति स्वरूपा है। इसलिए भगवती श्री सीता जी भक्ति स्वरूपा है, वो श्री स्वरूपा है। और माया जो संसार को अभिव्यक्त करने वाली संसार रूपा है, वो मोहने वाली शक्ति है, वो माया है। यहाँ पर माया भगति सुनो तुम दो नारी वर्ग जान ही सबको, ये दोनों नारी वर्ग हैं। पुनि रघुबीर भगति प्यारी माया खलु नरत की बिचारी। लेकिन भक्ति जो है वह श्री श्री जो है वह प्रभु को प्रिय है, और माया जो है ये नटनी है, नर्तकी है, ये नाचती रहती है, एक के पास नहीं अनेकों के पास नाचती रहती है। यही तो कारण है हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं लक्ष्मीपति बन जाऊं। हमारे यहां एक संत हुए हैं, वही जिसकी अभी चर्चा कर रहा था, मुसलमान संत रहीम खान खाना, उन्होंने लिखा है रहीमन नारी गरीब की अपनी कहे न कोई। का एक गरीब की स्त्री कोई होगी उसको कोई ये हिम्मत नहीं रखेगा कह दे कि मेरी स्त्री है? गरीब की स्त्री को भी अपनी स्त्री कहना मुश्किल हो जाता है। का रहीमन नारी गरीब की अपनी कहे न कोय हरी पत्नी अपनी कहे क्यों न फजी हति होय। और दुनिया के लोग अपने आप को लक्ष्मी का पति मानना चाहते हैं, भगवान की स्त्री का पति बनना चाहते हैं, फिर फजीहत किसकी होगी? क्यों नहीं होगी? तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि भक्ति नारी रूपा है, और ज्ञान वैराग्य योग ये सब विज्ञान जो है ये पुरुष रूपा है। साधन में यदि पुरुष का आश्रय लोगे तो पुरुष में अहम की प्रधानता होती है, अहम की प्रधानता होने के नाते प्रभु की माया उसको दबोच लेती है, बात समझे? और जहां भक्ति का सहारा लेते हैं उसमें अहम नहीं होता, उसमें तुम की भावना होती है। तुम, अहम और तुम, ये दोनों भिन्न भिन्न पदार्थ हैं। एक में होता है अहम अस्मी, दूसरे में होता है तुमेवासी। जहां पर तुमेवासी, तू ही है मैं नहीं हूं, ये भावना है, ये भक्ति मार्ग है। और जहां पर अहम अस्मी, मैं ही हूं मेरे सिवा कुछ नहीं है, ये ज्ञान मार्ग है। ज्ञान मार्ग पुरुषत्व से युक्त है, भक्ति मार्ग जो है वह नारीत्व से युक्त है, वह समर्पण से युक्त है। नारी का अर्थ होता है समर्पिता, इसलिए वह समर्पण करता है स्वयं को। उसमें भोक्ता प्रभु है, आप भोक्ता नहीं है, वहां भोक्ता आप है, प्रभु अलग नहीं है, ये दोनों में भेद है।
इसलिए भुशुंडी जी कहते हैं कि नारी नारी को देखकर मोहित नहीं होती, पुरुष नारी को देखकर मोहित हो जाता है। जो भक्ति का सहारा लिए हैं वो माया को देखकर मोहित नहीं होते, जो ज्ञान का सहारा लिए हैं वो माया को देखकर मोहित हो जाते हैं। इन दोनों में यही अंतर होता है। और इसका परिणाम क्या होता है का ये तो मैं कल बताऊंगा, समय पूरा हो गया भाई। यदि प्रेम प्रभु से चाहता, यदि प्रेम प्रभु से चाहता, अभिमान को तजता तरे, अभिमान को तजता तरे, दे छोड़ सब अरमान नित, दे छोड़ सब अरमान नित, हरि नाम जप दिन रात रे, संसार के वैभव सभी, संसार के वैभव सभी, तू जान जलती आगरे, तू जान जलती आगरे, दे त्याग रे सुख स्वपन का, दे त्याग रे सुख स्वपन का, बीती निशाय बजागरे, बीती निशाय बजागरे, नाते सभी तन से किए, नाते सभी तन से किए, माँ बाप पुत्र कल त्रय, माँ बाप पुत्र कल त्रय, साथी सहोदर अपन पो, साथी सहोदर अपन को, भूला फिरे लखिय त्रय, है व्यर्थ ही ममता किया, है व्यर्थ ही ममता किया, ना अंत को संग लागरे, ना अंत को संग लागरे, तू देख आँखें खोल के, तू देख आँखें खोल के, बुईती निशाय बजागरे, बुईती निशाय बजागरे, ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कस्य दुःख भाग् भवेत्, मा कस्य दुःख भाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः, ॐ पूर्णमदः, पूर्णमिदं, पूर्णमिदं, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः। आज बहुत सी बातें आप लोगों को बताई गई हैं, इस पर मनन करते रहिए। कल पुनः इसी संबंधित कुछ बातें और बताएंगे। पूरी ये गीता तो मैंने जैसे बताया महीनों का विषय है, हाँ, दो तीन दिन में तो कुछ नहीं होता, लेकिन सार रूप से भूमिका जैसे मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, कल थोड़ा सा इस विषय में और समझा दूँगा। कल का ही दिन है यहाँ, फिर परसों से तो एम्स्टर्डम में प्रोग्राम है 3 दिन का, उसके बाद में फिर 5 दिन आपको गीता पर सुनने को मिलेगा शिव मंदिर में हर नारायण के, तो फिर आप लोग लाभान्वित। हर महादेव।